मैंने इसीलिए तो कहा, हम क्यों कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में चेंजेस होने चाहिए एक्ट में। जो चोरी करके बैठा है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के बावजूद रिजल्ट नहीं आते। आपको लूटने दो, आप लूटते रहो तो एक्ट अच्छा, कार्रवाई हो तो दिक्कत। संपत्तियों का यूज हो पाएगा, सिर्फ लूट के लिए इन संपत्तियों का यूज कुछ चंद परिवार, चंद घराने कर रहे हैं, चंद मुतवल्ली और चंद कौम के ठेकेदार कर रहे हैं। जितने बोल रहे हैं सब वक्त के मैं लिख के दे सकता हूँ, ये सब वक्त के हुए देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हुआ होगा तो वक्फ बोर्ड में निकलेगा है। मैंने इसीलिए तो कहा, हम क्यों कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में चेंजेस होने चाहिए एक्ट में। जो चोरी करके बैठा है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के बावजूद रिजल्ट नहीं आते। आप कह रहे हो बहुत अच्छा एक्ट है, क्योंकि आपको लूटने दो, आप लूटते रहो तो एक्ट अच्छा, कार्रवाई हो तो दिक्कत। सरकारों के साथ बिना मिले चले वक्फ बोर्डों को अगर ये सोचें कि वक्फ बोर्ड घर में बैठ के चला लेंगे तो ऐसे नहीं चलता है। सरकारों के साथ मिलकर चलना पड़ेगा और वक्फ की लाइन सरकार देश के काम आए, ये वक्फ की संपत्ति प्रदेशों के काम आए, इसके ऊपर अच्छे अस्पताल बने, अच्छे हॉस्पिटल्स बने, अच्छे कॉलेजेस बने, सबके काम आए, हमारे बच्चों के भी काम आए, तब कहीं ये इन संपत्तियों का यूज़ हो पाएगा। सिर्फ लूट के लिए इन संपत्तियों का यूज़ कुछ चंद परिवार, चंद घराने कर रहे हैं, चंद मुतवल्ली और चंद कौम के ठेकेदार कर रहे हैं। ये जितने बोल रहे हैं सब वक्फ के मैं लिख के दे सकता हूँ, ये सब वक्त के चोर हैं, जो लोग वक्त के अंदर संशोधनों पे आपत्ति दिखा रहे हैं, जो आपा पीट रहे हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है माननीय मोदी जी से, इस पे तमाम वक्त के ऊपर सीबीआई जांच होनी चाहिए। इनमें बहुत बड़ा बड़े भ्रष्टाचार हुए, देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हुआ होगा तो वक्फ बोर्ड में निकलेगा, अगर ईमानदारी से जांच हो गई। मैं कह रहा हूं शादाब शमजी वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष है, आज तक के मेरे कार्यकाल की भी जांच कराई जाए, ऐसा नहीं कि मुझे छोड़ दिया जाए, किसी को नहीं छोड़ा जाए, और जिन्होंने गलती की हो, जिन्होंने गड़बड़ियां की हो, उन्हें सलाखों के पीछे डाला जाए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।